हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का पार्ट टू। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कैथोड किरणें होती है, आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन बी अल्फा कण की धारा स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की धारा स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी विकिरण रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोई भी एलिमेंट एक्स है वो 103 ऑक्साइड बनाता है। तो पूछ क्या रहा है कि एक्स की संयोजकता क्या होगी, एक्स की वैलेंसी क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बस एक थोड़ा सा आइडिया जान लो आप कि 103 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है। तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी टोटल की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तीन ऑक्सीजन एटम की 2 × 3 = 6 हो जाएगी। तो यही वैलेंसी एक्स की भी होती है, यही वैलेंसी एक्स की होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में मिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? CDS 2008 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कार ब्रेक की सामग्री, ऑप्शन बी स्मोक डिटेक्टर, ऑप्शन सी सिगरेट लाइटर, ऑप्शन डी इमरजेंसी लाइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग सिगरेट लाइटर में होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? BPSC 2020 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी उधर्वपातन सब्लिमेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का समान भार इक्विवेलेंट वेट और आणविक भार मोलिकुलर वेट समान है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी Na2SO4, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड NaCl। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं किसी और वीडियो में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट के बीच में क्या रिलेशन है और इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.00758 ग्राम, ऑप्शन बी 0.000549 ग्राम, ऑप्शन सी 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के इक्वल होता है। यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो कितने क्लोराइड आयन है? SSC 2015 का क्वेश्चन है। तो MgCl2 डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? Mg2+ + 2Cl-। तो जितना Mg2+ आयन होगा ना, उससे डबल क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा। तो Mg2+ आयन कितना है? 1 मिलियन। तो क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा? जस्ट इसके डबल हो जाएगा, 2 मिलियन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 मिलियन। नेक्स्ट है, वह यौगिक जिसमें आयनिक बंध होता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मिथेन CH4, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी CCl4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। CaCl2 में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। CH4 में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार का अबंध होता है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड आयनिक बंध,
ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सह संयोजी बंध, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अमोनियम क्लोराइड में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है और आयोनिक बॉन्ड भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दो प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऑप्शन सी दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, ऑप्शन डी दो पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के रूप में प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, लगभग हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसके पास रैखिक संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी SiO2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। SO2 का स्ट्रक्चर बेंड होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। BCl3 का कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और BrF3 का कैसा होता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HBr, ऑप्शन बी HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी HI। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप बस इतना जान लो कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो और नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बस तीन से। आप इसको फोन से याद कर लो, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिथेन CH4, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी HC डबल बॉन्ड OOH। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से जुड़े तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन बी में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऑप्शन ए पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, CO2 में सी का संकरण है, CO2 में सी का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए SP, ऑप्शन बी SP2, ऑप्शन सी SP3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, SP। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत बंधन है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी डबल बॉन्ड सी, ऑप्शन बी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऑप्शन सी सी सिंगल बॉन्ड सी, ऑप्शन डी सभी समान रूप से मजबूत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे मजबूत बंधन है। तो ये था हमारा पार्ट टू, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।